हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को मैं देने वाला हूं बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। बेसिकली दोस्तों अभी जो है वो कोरोना वायरस के चक्कर में आप सब खाली बैठे हैं, और यहाँ पे मेरी तरफ से आपको एक रिकमेंडेड है कि आप जब खाली बैठे हैं तो यहाँ पे जो अपने प्रोडक्ट है आप इसको कैसे यूज़ करें और थोड़ी जानकारी और थोड़ी नॉलेज गेन करिए इन वीडियो की तरफ से। यानी जो मैं आप वीडियो देने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज आने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्सिलरी यानी ऑक्स का यूज़ कैसे करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको हर एक चैनल में ये देख सकते हैं ऑक्स 1 ऑक्स 2 ये देखिए ऑक्स 1 एंड ऑक्स 2 ये आपको मिल जाता है। तो इसको हम कैसे यूज़ करें मॉनिटर में, यानी फीडबैक जो होता है, यानी आप कह लीजिए कि सिंगर जो होता है उसको फीडबैक चाहिए होता है अलग से कि भैया मुझे जो मेरा मॉनिटर है सिर्फ मेरे को मेरी आवाज़ ही चाहिए उसके अंदर, बाकी जो है इंस्ट्रूमेंटल आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो सेटअप है वो मैं लगा चुका हूँ, यहाँ पे मॉनिटर है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लगाई है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा, लास्ट तक देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं है आपको कनेक्शन समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप ऑक्सिलरी का या ऑक्स का जो फीचर है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऑक्स का हम जो है वो फीचर कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये देखना है कि मैं जैसे नॉर्मल सेटअप चला रहा हूँ, जैसे आपने अभी एम्पलीफायर लगाया, फिर जो पूरा सेटअप है उसको लगा लिया और मॉनिटर को आपने दे दिया डायरेक्ट, यानी जो बैलेंस्ड है वो सारी चीज़ें उसमें भी चल रही हैं, कोई भी आप कम ज़्यादा मॉनिटर में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज मैं फीचर बता रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग, यानी सिंगर के अकॉर्डिंग, या फिर कोई ग्रुप है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल चला रहा है, या फिर कोई बैंड है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉनिटर को सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं क्या क्या लगा चुका हूँ। तो सबसे पहले ये है हमारा एक एम्पलीफायर जो कि हमारे यहाँ पे दो मॉनिटर को चलाएगा। तो ये आ जाते हैं हमारे दो मॉनिटर यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। पीछे की साइड में आपको कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये पीछे की साइड का जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जो है वो स्पीकॉन मैं लगा चुका हूँ। तो ये आ जाता है 1 चैनल एंड 2 चैनल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि आपको जो है वो ऑक्स का फीचर यहाँ पे यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मिक्सर पर लेके आना चाहूँगा। तो यहाँ से आपको जो ऑक्सिलरी का फीचर है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये तो होता है दोस्तों मेन, यानी जो आप है यहाँ पे ये हमारे जो फेडर है ये वाला, इस पर काम करता है, यानी हमारा मेन हो गया, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, इसको हमें यूज़ ही नहीं करना है। मान के चलिए कि चल रहा है लेकिन हमारे से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अभी हमें यूज़ करना है सिर्फ ये हमारे जो ऑक्स हैं, ये दो ऑक्स हैं, इसको हमें यूज़ करना है हर चैनल का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे मॉनिटर मान के चलिए अभी आपको मॉनिटर कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी आपको यहाँ पर ये ढूंढना है कि मेरा जो है वो ऑक्स आउट कहाँ है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑक्स आउट है वो आता है यहाँ, ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर ऑक्स 1 और ऑक्स 2। इसके अंदर दो ऑक्स हैं, यानी हमारे हर चैनल में आप देखेंगे ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 1 ऑक्स 2 ऑक्स 1 ऑक्स 2। तो यहाँ पे सिंपल ये कलर कोडिंग आपको दे रखी है। आपको ध्यान भी देना है कि मेरे मिक्सर में जो है वो कलर कोडिंग कौन सी आ रही है, इस बात का आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो वन है, वन ये आ जाता है, ये हमारा गया ए वाले चैनल में। लेफ्ट राइट लेके भी चलना है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान देना है। ए वाला हो गया हमारा ये वाला मॉनिटर, यानी हमारा मेरे साइड का सीधा हाथ और आपकी साइड का उल्टा हाथ, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा उठाएंगे और ये आ गया हमारा, ये देखिए बी, यानी सेकेंड चैनल। यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पर 2 चैनल लिखा हुआ है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 2 चैनल है। तो यहाँ से अभी हम उठाएंगे और ये हमारे 2 वाले चैनल में इनपुट कर देंगे। ये मैंने कर दिया, चैनल 1 चैनल 2 हो गया, चैनल 1 और चैनल 2 का ये हो गया, सिंपल ऐसे। तो यहाँ पे आप कनेक्शन जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। ऑक्स किसी में एक होता है उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ऑक्स एक ही है और ये मैंने इनपुट कर दिया, तो मैं पीछे से क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर पीछे से मैं कर दूँगा इसको पैरलर। पैरलर करने का मतलब ये है, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मेरे पास ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है तो यहीं से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को। मैं अपने पर्टिकुलर चैनल से जो है वो आउटपुट तो अपने संभाल रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लेफ्ट राइट चाहिए और एक ही ऑक्स है तो यहाँ पर मैं चैनल 1 और चैनल अपने ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर का यूज़ करूँगा कि मुझे किस
एल वाले में ज़्यादा आउटपुट देनी है, आर वाले में ज़्यादा आउटपुट देनी है। चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें टेस्टिंग देखते हैं कैसी होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ और यहाँ पे कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि अभी जैसे मान के चले हम यहाँ पे दो सिंगर खड़े हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप मान के चले कोई इंस्ट्रूमेंटल रख लीजिए या फिर कोई ड्रम रख लीजिए या फिर कोई बैंड रख लीजिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दोनों सिंगर हैं यहाँ पे। अब क्या है कि मैंने अपना माइक पकड़ा हुआ है, भाई ने अपना माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मॉनिटर हमारे पास लगा हुआ है मेरे स्टेज पे। सिंगर ने आपको ये बोला कि भैया मेरे को यहाँ पे जो मेरा मॉनिटर है सिर्फ मेरी ऑडियो चाहिए, ना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हो उसकी नहीं चाहिए मुझे, ना ही इस बंदे की इसमें आनी चाहिए, सिर्फ जो ऑडियो हो वो मेरी इस मॉनिटर में मेरी ही सुनाई देनी चाहिए। अब ये भी कहने लग गया कि भैया मेरी ऑडियो सिर्फ मेरे मॉनिटर में नहीं चाहिए, मेरी इसके मॉनिटर में नहीं जानी चाहिए, यानी अलग अलग सेपरेट चाहिए। तो इस समय क्या करूँगा मैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दोनों निकाल रखे हैं, ऑक्स वन है ऑक्स टू है। यहाँ पे मेरा वाला माइक ये रहा, ठीक है, ये आ गया मेरा चैनल। दोनों को मैंने इसलिए थोड़ा सा दूर दूर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑक्स टू को मैं बंद कर दूंगा। ऑक्स टू क्या है कि इस बंदे का है, ऑक्स टू मैंने यहाँ से जो आउटपुट दे रखा है वो यहाँ पे इस वाले चैनल का, यानी इसका सेपरेट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिर्फ अभी ऑन करता हूँ तो ये जो ऑडियो है वो सिर्फ इस मॉनिटर में आपको आते हुए मिलेगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देख सकते हैं ये वाला जो ऑक्स है मैंने यहाँ पे, ये आ गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ से ऑडियो में बढ़ा देता हूँ, तो ये आ गया, इसका मैंने बिल्कुल काट रखा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया बोलेंगे, बोलो भैया, इसमें आ रही है, हेलो देखिए, हेलो हेलो, ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रही, मैं अभी पास में खड़ा हूँ तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ उसकी आउटपुट उसमें जा रही है। तो यहाँ पे और मैं बोलूँगा अपना माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, और मैं बोलूँगा तो मेरी जो आउटपुट है वो उसमें नहीं जा रही है। तो दोस्तों ये होता है बिल्कुल अलग अलग सेपरेट, यानी ऑक्स वन मेरे को दे दिया बंदे ने और ऑक्स टू इसको दे दिया, तो बिल्कुल अलग अलग हो गया। ऑक्स वन मैं अपने यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, अब सिंगर मेरे को बोल रहा है कि भैया मेरे में कम ज़्यादा कर दीजिए, ये मॉनिटर बढ़ा दीजिए, तो मैं वहाँ से कम ज़्यादा या फिर बढ़ा सकता हूँ। या फिर दोस्तों ये जो ऑक्सिलरी है वो यहाँ पे डिजिटल डिले जो होता है उसमें काम आता है, एलिसिस जो होता है उसके अंदर काम आता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको फ्यूचर में वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, अगर कोई दो सिंगर है और यहाँ पे सेपरेट मॉनिटर मांग रहा है, ये बंदा अलग मांग रहा है, मैं अपना अलग मांग रहा हूँ, और सिर्फ ऑडियो जो है वो मुझे अपने मॉनिटर में मेरी ही चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर वो सिंगर ये कह रहा है कि मेरे मॉनिटर में सिर्फ मेरी आउटपुट जो है यानी मेरी आवाज़ है वो ज़्यादा बढ़ा दीजिए, इंस्ट्रूमेंटल है वो कम कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे ऑक्सिलरी का यूज़ करके उसमें ये सॉल्यूशन मैं देख सकता हूँ। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में वीडियोस में लाने वाला हूँ यहाँ पे वाई केबल से कैसे कनेक्ट करें आप डिजिटल डिले एलिसिस, बाकी जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो कैसे कनेक्ट करें उसके बारे में। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, इस तरह की मैं वीडियो लाता रहता हूँ उस चैनल पर, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।